नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो ये हमारा ऑप्शन है, पहला है चित्रांग ने, बी है शिलादित्य ने, सी है बप्पा रावल ने और डी है कर्ण सिंह ने। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन है चित्रांग ने, यानी चित्रांग या फिर चित्रागद, चित्रांगद। इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्तौड़ के अंदर। चित्रागत है वो मौर्य शासक थे, ठीक है, चित्रागत क्या है, मौर्य शासक थे और इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो जो चित्रागत है इन्होंने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया था और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किस किस नाम से जाना जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का दक्षिणी द्वार और मालवा का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ कहाँ है, राजस्थान में यहाँ पे है, ठीक है, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़। तो इसे क्या जाना जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान के दक्षिणी द्वार के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा इसको मालवा के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। फिर चित्तौड़गढ़ को लेकर एक कथन भी है कि गढ़ तो है चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या है, महत्वपूर्ण बताया गया है और इसे गढ़ यानी कि जो अन्य गढ़ है इसे उनको चित्तौड़गढ़ के नीचे बताया गया, ठीक है। तो गढ़ तो है चित्तौड़ बाकी सब क्या है, गढ़ैया, ये उल्लेख इसमें किया गया है, इतिहास के अंदर किया गया है। और चित्तौड़ को किस किस नाम से जाना जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी द्वार सभी किलों का सिरमौर, सभी किलों का सिरमौर के नाम से भी जाना जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। और किसने इसका निर्माण करवाया था, चित्रागत नामक मौर्य शासक ने इसका निर्माण करवाया था।